हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग ऑर्बिट। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक होगा कॉग्निशन एंड इमोशंस। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स पर। काफ़ी टाइम हो चुका है, हम कोई टॉपिक किया नहीं है, तो अब हम बढ़ते हैं। कुछ ही टॉपिक बाकी हमारे बचे हुए हैं, उसके बाद हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। तो होप आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी, सीटेट की अच्छे से लगी रही है, और आगे टॉपिक वाइज अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि टॉपिक वाइज करेंगे तभी आपको अच्छे से कंफ्यूजन ख़त्म होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कॉग्निशन एंड इमोशंस। लेट्स जस्ट स्टार्ट आवर टॉपिक कॉग्निशन एंड इमोशंस। सबसे पहले हम लोग कॉग्निशन से स्टार्ट करेंगे। एज वी ऑल नो दैट चाइल्ड लर्न्स एज ही ग्रोज विद टाइम। हम सब जानते हैं बच्चा सीखता है, लर्न करता है जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है। टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाता है, उसे उसका एक्सपीरियंस, लर्निंग थॉट, सब कुछ वो एक्वायर करता है अपने एनवायरनमेंट से, सेंसेस से, सब कुछ वो धीरे धीरे सीखता है। ये सब है कॉग्निशन। बेसिकली जो हम लर्न करते हैं, किस तरीके से लर्न करते हैं, क्या हमारे थॉट एक्सपीरियंस, जो भी चीज़ें हम एक्वायर करते हैं, वो सब हमारा कॉग्निशन है। कॉग्निशन ऑफ अ चाइल्ड बिकम्स मैच्योर एज ही ग्रोज। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, उसका कॉग्निशन मैच्योर होता जाता है। दस वी कैन से दैट कॉग्निशन इज द इंटेलेक्चुअल एबिलिटी टू ग्रास्प, मेमोराइजिंग, रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कॉग्निशन एक इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, ग्रास्प करने की, मेमोराइज करने की, रीजन करने की एंड अंडरस्टैंड करने की चीज़ों को। होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अपना कॉग्निशन में। एलिमेंट्स ऑफ कॉग्निशन पढ़ते हैं हम। फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ कॉग्निशन। कॉग्निशन के कुछ एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला है परसेप्शन। इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू सी, हियर और बिकम अवेयर ऑफ समथिंग थ्रू सेंसेस। परसेप्शन का बेसिकली हम लोग अगर सोच सकते हैं, बेसिकली हमारे काम करते हैं सेंसेस। सेंसेस के थ्रू हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, चीज़ों से अवेयर होते हैं। ये पर्सन की एक कैपेसिटी होती है, इंडिविजुअल की एक कैपेसिटी है कि वो कितना देख सकता है, सुन सकता है, चीज़ों से अवेयर हो सकता है सेंसेस के थ्रू। सेकंड है हमारा मेमोरी। मेमोरी इज़ द कॉग्निटिव एलिमेंट इन कॉग्निशन। मेमोरी एक कॉग्निटिव एलिमेंट है कॉग्निशन में। मेमोरी अलाउज द ह्यूमन काइंड टू स्टोर, कोड और रिकवर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पास्ट व्हेन एवर नीडेड। मेमोरी अलाउज द ह्यूमन माइंड टू स्टोर, मेमोरी अलाउ करता है ह्यूमन माइंड को स्टोर करने में, कोड करने में एंड रिकवर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पास्ट व्हेन एवर नीडेड। जब भी ज़रूरत होती है हमें मेमोरी के थ्रू हम लोग स्टोर करते हैं, उसे कोड करते हैं और उसे रिकवर भी करते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी पास्ट, जो पास्ट में हो चुकी होती है मेमोरी, हम उससे रिकॉल भी करते हैं। मेमोरी में हम लोग स्टोर करते हैं बेसिकली, ये भी पढ़ लेते, दो तरह की मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। जैसे हम लोग कुछ पढ़ते हैं, सोचते हैं, कुछ पढ़ते हैं, किस चीज़ के बारे में जानते हैं, वो हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। जो हम उसे बार बार चीज़ों को रिवाइज करते हैं, लर्न करने की कोशिश करते हैं, लिख लिख कर, देख कर, बार बार देखते हैं वही चीज़, तो जब वो फिर जब वो चीज़ हमें लर्न हो जाती है, तो हम उसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया है। उसे इन दी फ्यूचर हम लोग उसे रिकॉल भी कर सकते हैं। ये था हमारा मेमोरी का। नेक्स्ट है अटेंशन। अंडर दिस प्रोसेस आवर माइंड अलाउज टू कंसनट्रेट अपॉन वेरियस एक्टिविटीज़ विद द यूज़ ऑफ आवर सेंसेस। इस प्रोसेस में, अटेंशन के प्रोसेस में, हमारा माइंड जो होता है वो, जैसे हमारे आसपास बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही है, अब वो हमारे पर डिपेंड करता है कि हमें कौन सी एक्टिविटी पर ध्यान देना है, कौन सा हमारा गोल है, जिसे हम ध्यान, मतलब इससे कॉन्सेंट्रेट हम किसके थ्रू करते हैं, अपनी सेंसेस के थ्रू। हम अपने सेंसेस को उसी डायरेक्शन में डायरेक्ट करते हैं जिस चीज़ पर हमें अपना अटेंशन देना है, हमें अपना कंसंट्रेशन देना है। ये था हमारा अटेंशन, बहुत ईजी है। लास्ट नेक्स्ट है हमारा थॉट। थॉट्स आर द एक्टिव प्रोसेसेस ऑफ थिंकिंग। थॉट्स हैं जो एक्टिव प्रोसेस है इन थिंकिंग के। थॉट्स हेल्प अस इन स्टेबलाइजिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन इवेंट्स एंड नॉलेज। थॉट्स हमें हेल्प करते हैं एक रिलेशनशिप बिल्ड करने में, जो इवेंट्स हुए हैं और जो नॉलेज में इंटीग्रेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन दैट वी रिसीव। और जैसे हम लोग एक इवेंट है, उसमें हमने अलग अलग चीज़ों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, उस चीज़ों को सिंथेसाइज करना, एक साथ जोड़ना, एक दूसरे से रिलेट करना, उनके बीच में रिलेशनशिप करना, वो सब चीज़ें हमारी थॉट, हम लोग थॉट प्रोसेस करते हैं, तब जाके हम लोग सोचते हैं कि कैसे ये चीज़ें रिलेट करती हैं, कैसे नहीं। ये भी हमारा कॉग्निशन का पार्ट है। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज। लैंग्वेज एंड थॉट्स आर इंटरलेटेड विद ईच अदर। ऑफ कोर्स लैंग्वेज और थॉट एक दूसरे से इंटरलेटेड है।
थॉट्स है, हमारा अगर हमारे पास थॉट्स हैं तो वो हमारी लैंग्वेज की फॉर्म में ही तो होंगे। हमारे पास जो लैंग्वेज होगी, कोई भी लैंग्वेज हो हमारे पास, वो हमारे थॉट्स कैसे होंगे उसी लैंग्वेज है, उसी लैंग्वेज में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं दूसरों के सामने। लैंग्वेज इज द एबिलिटी टू एक्सप्रेस आर थॉट्स विद द हेल्प ऑफ स्पोकन वर्ड्स। लैंग्वेज हमारा एक हमें हेल्प करती है, हमारी एबिलिटी है किस तरह से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं अपने थॉट्स को विद द हेल्प ऑफ स्पोकन वर्ड्स। हम किस तरह से कोई भी लैंग्वेज हम लोग यूज़ कर सकते हैं जो हमारी है पर्सनल लैंग्वेज मातृभाषा, हम स्पोकन वर्ड्स मतलब जो हम बोल कर वही अपनी लैंग्वेज के थ्रू थॉट्स को बाहर निकालते हैं, दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लर्निंग, जो कि है लास्ट हमारा एलिमेंट। लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज और स्किल्स थ्रू स्टडी एक्सपीरियंस एंड मॉडिफाइंग ऑफ बिहेवियर। लर्निंग बेसिकली है नॉलेज को एक्वायर करना, स्किल्स को एक्वायर करना। जैसे हमने कोई चीज़ हमें जैसे ड्राइविंग हमें अच्छा मेहंदी लगाना बेसिकली हम लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे मेहंदी लगाना अच्छा हमें हमने देखा किसी को मेहंदी लगाते हुए हमें अच्छा लगा, हम फिर उस बार बार कोशिश करें मेहंदी लगाए जा रहे हैं, किसी ना किसी को पकड़ कर मेहंदी लगा रहे हैं, किसी के हाथ पर मेहंदी लगा रहे हैं, से पैर पर कहीं भी मेहंदी लगा रहे हैं, तो फिर हमने वो चीज़ फिर हमने हमें एक टाइम ऐसा आया हमें अच्छी मेहंदी लगानी आ गई, तो हमने स्किल एक्वायर की है अपनी स्किल हमने डेवलप की है खुद अपनी अपने भी। और मोटी लर्निंग में हम लोग बिहेवियर को भी मॉडिफाई करते हैं अपने, हम लर्न करके अपना कोई बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं। तो ये था लर्निंग, ये हमारा कॉग्निशन का पार्ट है। इसमें एक और चीज़ है, वो है पियाजे की थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ जीन पियाजे, वो भी इसमें हमारा कॉग्निशन में आएगा। ये वो चीज़ मैंने उसकी थ्योरी मैंने इसमें नहीं ऐड की है, क्योंकि वो वीडियो मैं अच्छे से काफ़ी अच्छी सी ईजी लैंग्वेज में बना सकती हूँ। अगर आप लोगों को वो वीडियो चाहिए आप या तो सर्च कर सकते हैं चैनल पे जाकर लर्निंग ऑर्बिट, या फिर मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसे भी ज़रूर देखें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है सी टेट के लिए, चाहे आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। तो हमारा कॉग्निशन हो चुका है, अब है हमारा इमोशन। इमोशंस आर स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्वायर्ड फ्रॉम वन सर्कमस्टांसेस मूड और रिलेशनशिप विद अदर्स। इमोशंस आर पार्ट ऑफ अ स्टेट ऑफ माइंड। इमोशन भी हम लोग दूसरों से एक्वायर करते हैं, हम लोग दूसरों से सीखते हैं। ये इमोशन एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है जो हमें किसी कोई सर्कमस्टांस हुआ, हमारे साथ कोई घटना हुई है, कोई इवेंट हुआ है, उससे सीखते हैं। मूड होता है हमारा, या रिलेशनशिप विद अदर्स, या किसी और के साथ रिलेशनशिप में, या जैसे कोई भी हमारे सिस्टर ब्रदर का, मम्मी पापा का रिलेशनशिप, कुछ भी रिलेशन हो, हम उससे सीखते हैं इमोशंस। हर इमोशन हम लोग किसी ना किसी तरीके से सीखते हैं। इमोशन आर पार्ट ऑफ अ स्टेट ऑफ माइंड। इमोशन हमारा माइंड का एक स्टेट है, स्टेट ऑफ अ माइंड है। तो ये है इमोशन, नेचर एंड फीचर्स ऑफ इमोशन। इमोशन के कुछ नेचर और फीचर्स देख रहे हैं। इमोशन इज़ अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, हम लोग सब उसे इमोशन को हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हम किसी के साथ कैसे बिहेव करते हैं, किसी से हम लोग को बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है तो उसके साथ हमारे अलग इमोशंस जुड़े हुए हैं। हर पर्सन के साथ हर रिलेशनशिप में हमारे कोई ना कोई इमोशन जुड़े होते हैं और हम लोग उस इमोशन को एक्सपीरियंस करते हैं। इट इज़ अ कॉन्शियस मेंटल रिएक्शन एंड इमोशंस एंड थिंकिंग आर इन्वर्सली रिलेटेड। ये एक कॉन्शियस मेंटल रिएक्शन है, कॉन्शियस है, कॉन्शियस मतलब हम लोगों को पता है, अनकॉन्शियस नहीं है कि कुछ भी हो रहा है हमें समझ नहीं आ रहा है, हमें पता नहीं है, ये चीज़ कॉन्शियस है, हम लोगों को एट प्रेजेंट है, हम लोगों को समझ आ रही है कि हमारा इमोशन क्या है। बहुत बार हम लोग एक्सप्रेस कर भी देते हैं, बहुत बार नहीं भी कर पाते। एंड थिंकिंग आर इन्वर्सली रिलेटेड, और जो हम इमोशन से थिंकिंग इन्वर्सली रिलेटेड होती है, इन्वर्सली रिलेटेड मतलब उल्टी उल्टी तरीके से रिलेटेड होती है थिंकिंग हमारी इमोशन से। इमोशन हैव टू रिसोर्सेज, दैट इज डायरेक्ट परसेप्शन और इनडायरेक्ट परसेप्शन। इमोशन के दो रिसोर्स हैं, डायरेक्ट परसेप्शन और इनडायरेक्ट। डायरेक्टली परसीव करना, डायरेक्टली लर्न करना, सीखना और सेंसेस के थ्रू, या फिर इनडायरेक्ट परसेप्शन, वो हम पढ़ेंगे शायद आगे क्या होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इमोशन क्रिएट्स सम एक्सटर्नल चेंजेस विच कैन बी सीन बाय अदर्स इन द फॉर्म ऑफ आर फेशियल एक्सप्रेशन, बिहेवियर पैटर्न। अ
ऑफ कोर्स इमोशन अगर हमारे कॉन्शियस हैं, हमें पता चल रहे हैं, तो वो हमारे अंदर कुछ चेंज लाएंगे, तो वो एक क्रिएट्स सम एक्सटर्नल, वो कुछ एक्सटर्नल इमोशन हमारे कुछ एक्सटर्नल चेंज लाते हैं विच कैन बी सीन, जो दूसरे लोग देख सकते हैं हमारे फेशियल एक्सप्रेशन के फॉर्म में, हमारे बिहेवियर पैटर्न, हम लोग जैसे किसी से गुस्सा है या चिढ़े हुए हैं या कुछ भी है, तो हमारा वो बिहेवियर पैटर्न दूसरे, और काफ़ी टाइम हमें दूसरे लोग बोल भी देते हैं कि कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, गुस्से में या कैसे भी है, वो हमें पता चल जाता है। तो ये था हमारा एक्सटर्नल चेंजेस। फिफ्थ है, इमोशंस क्रिएट सम इंटरनल चेंजेस इन आवर बिहेवियर विच कैन बी अंडरस्टूड ओनली बाय द पर्सन हु हैव एक्सपीरियंस्ड दोज इमोशंस। अब ऑफकोर्स इमोशन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह से चेंज लाता है। एक्सटर्नल हम लोग पढ़ चुके हैं, इंटरनल चेंज क्या होता है, वही चीज़ है जो लोग जो एक्सपीरियंस करते हैं ना इमोशन के टाइम में, वो सिर्फ वही पर्सन जानता है जो उस एक्सपीरियंस को महसूस कर रहा है, उस इमोशन को एक्सपीरियंस कर रहा है, सॉरी, ठीक है, तो वो वही पर्सन जानेगा जिसे वो एक्सपीरियंस कर रहा है। सिक्स्थ है, हमारा इमोशंस आर नेसेसरी फॉर अडेप्टेशन एंड सर्वाइवल। इमोशंस नेसेसरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं अडेप्टेशन के लिए और सर्वाइवल के लिए, हमें अडेप्ट करने के लिए। किसी नए कंडीशन में हम लोग जाते हैं, किसी नए क्लासरूम में गए, किसी नई जगह, कहीं नया ऑफिस, नए प्लेस पे गए, और हमें तो वहाँ पे अडेप्ट करने के लिए इमोशन बहुत ज़रूरी है। हाँ, इमोशन बहुत ज़रूरी है, और सर्वाइवल के लिए भी हमारे इमोशन ज़रूरी हैं, वो हम लोग खुद भी जान सकते हैं अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करके, इसे रियलिटी देख कर कि कितने इमोशन ज़रूरी हैं हर किसी से। इनफैक्ट इमोशन पूरे दिन में हमारे इमोशंस काम करते हैं, एक्सेप्ट सोना, सोने के अलावा सोने में भी जो हमारे ड्रीम्स होते हैं उसमें भी हमारे इमोशंस का कितना बड़ा रोल होता है, ये भी है, ठीक है। तो लास्ट है हमारा, मोस्ट डिस्ट्रैक्टिंग इमोशन इज बीइंग अनइन्फॉर्म्ड और मिस इन्फॉर्म्ड। मोस्ट डिस्ट्रैक्टिंग इमोशन है जब हमें पता ही नहीं होता, या फिर हमें मिस इन्फॉर्म्ड है, अनइन्फॉर्म्ड पता ही नहीं है, मिस इन्फॉर्म्ड है, कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। तो लास्ट है ये नेक्स्ट टॉपिक है, कंपोनेंट्स एंड फैक्टर्स ऑफ इमोशन। इमोशन के क्या कंपोनेंट्स एंड फैक्टर्स हैं। वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ इमोशन इज एक्सप्रेसिव बिहेवियर। जो हमारा एक मेन कंपोनेंट है इमोशन का, वो है एक्सप्रेसिव बिहेवियर। एक्सप्रेसिव बिहेवियर क्या है, वो एन एक्सपेंसिव बिहेवियर इज द सॉरी एक्सप्रेसिव होगा ये एक्सप्रेसिव बिहेवियर इज द आउटवर्ड साइन दैट इमोशन इज बीइंग एक्सपीरियंस्ड। एक्सप्रेसिव बिहेवियर आउटवर्ड साइन है, मतलब लाइक मैं गुस्से में हूँ तो मेरा फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, मेरा फेस चेंज हो जाएगा, गुस्से वाला हो जाएगा, तो वो मेरा आउटवर्ड साइन है उस इमोशन के लिए, इज बीइंग एक्सपीरियंस्ड। आउटवर्ड साइंस ऑफ इमोशंस आर फेंटिंग, अ फ्लश्ड फेस, मसल्स टेंशन, फेशियल एक्सप्रेशन, टोन ऑफ वॉइस, रैपिड ब्रीथिंग, रेस्टलेसनेस और अनदर बॉडी लैंग्वेज एक्सेट्रा। तो उसके क्या क्या साइंस हो सकते हैं इमोशन के, जैसे फेंटिंग, बेहोश हो जाना, फ्लश्ड फेस, मसल्स टेंशन, फेशियल एक्सप्रेशन, टोन ऑफ वॉइस, रैपिड ब्रीथिंग, रेस्टलेसनेस और अनदर बॉडी लैंग्वेज, जो भी हम लोग अपने इमोशन के टाइम पर कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, वो चीज़ें हमारे इमोशंस के आउटवर्ड साइंस, ठीक है। ये था हमारा, और अब है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशंस इन एजुकेशन। एजुकेशन में इमोशन का इम्पोर्टेंस क्या है, ये है हमारा मेन, तो हम इसे पढ़ते हैं। फॉलोइंग पॉइंट्स एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशंस। पहले कुछ पॉइंट है जो हमें मदद करेंगे जानने में, सीखने में, सोचने में कि कैसे हमारे इमोशन एजुकेशन में काम आते हैं। पहला, पॉजिटिव इमोशंस रीइंफोर्स द चाइल्ड्स लर्निंग, व्हाइल नेगेटिव इमोशंस लाइक डिप्रेशन अफेक्ट द चाइल्ड लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, ये भी कंफर्म है और ये भी पक्का है कि अगर पॉजिटिव इमोशन है किसी बच्चे के कि हाँ मुझे पढ़ना है, मैं कुछ करना चाहता हूँ इन फ्यूचर, वो अवेयर है इन चीज़ों से, उसके पॉजिटिव इमोशन है, अगर वो उस चीज़ को अपनी रीइंफोर्समेंट के टाइप में यूज़ करेगा तो वो आगे बढ़ेगा, उसका कोई चाइल्ड्स लर्निंग में उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी लर्निंग में। लेकिन अगर उसके नेगेटिव इमोशन होंगे, जैसे कि डिप्रेशन यहाँ दिया हुआ है, तो वो उसके लर्निंग प्रोसेस में ऑफकोर्स इफेक्ट करेगा, वो क्लास में प्रेजेंट होगा, वो तब भी प्रेजेंट नहीं होगा, वो फिजिकली प्रेजेंट होगा, मेंटली प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये था पॉजिटिव इमोशंस। इन सेकेंड है, द इंटेंसिटी ऑफ एनी इमोशन में इफेक्ट लर्निंग वेदर इट इज़ प्लेजरेबल और अनोइंग इमोशन। इंटेंसिटी मतलब वो इमोशन कितना ज़्यादा है, कितना कम है, अगर उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, तो
में इफेक्ट, तो वो भी इफेक्ट करेगी लर्निंग को, चाहे वो प्लेजरेबल हो या अनोइंग इमोशन हो। ओके, मतलब स्टेबल रहना चाहिए, स्टेबलाइज करना चाहिए चीज़ों को। थर्ड है, लर्निंग टेक्स प्लेस स्मूथली व्हेन स्टूडेंट्स आर नॉट मेंटली डिस्टर्ब। लर्निंग स्मूथली कब होती है, अच्छे से कब होती है, जब स्टूडेंट्स मेंटली डिस्टर्ब ना हो। ऑफकोर्स यही चीज़ है, अगर क्लास में एक भी बच्चा मेंटली डिस्टर्ब्ड है, डिस्ट्रैक्टेड है, डिप्रेस्ड है, तो हमें प्रॉब्लम आने ही वाली है उनके लर्निंग में, बल्कि क्लास के और बाकी बच्चे भी डिस्ट्रैक्ट होंगे उस एक पर्सन की वजह से, एक इंडिविजुअल की वजह से जो कि मेंटली डिस्टर्ब्ड है। नेक्स्ट है, पॉजिटिव इमोशन इंक्रीजेज आर मोटिवेशन एट अ टास्क। पॉजिटिव इमोशन जो हमारा होता है, जिसके हम मान लें मोटिवेशन है पॉजिटिव इमोशन, तो वो हमें इंक्रीज आर मोटिवेशन एट, तो वो हमें उस टास्क को करने में मोटिवेशन देगा। पॉजिटिव इमोशन मोटिवेशन देगा, हाँ तुझे करना है कि तू कर सकता है, और वो जो इतना इजी है कि कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी कोई भी कर सकता है। तो ये था हमारा पॉजिटिव इमोशन। नेक्स्ट है हमारा, इमोशन हेल्प्स इन पर्सनल डेवलपमेंट एज वेल इन द लर्निंग ऑफ अ चाइल्ड। इमोशन हेल्प करता है पर्सनल डेवलपमेंट में और एज वेल एज द लर्निंग ऑफ द चाइल्ड। इमोशन दोनों चीज़ों में वर्क करता है, पर्सनल डेवलपमेंट, उसकी पर्सनल डेवलपमेंट में अडेप्ट करने में एनवायरनमेंट को, सर्वाइवल में, और साथ में लर्निंग में भी, उसकी लर्निंग ऑफ द चाइल्ड। सो दिस इज आर इमोशन टॉपिक। कॉग्निशन हम लोग कर चुके हैं, उसका आप पियाजे की थ्योरी देख लीजिएगा प्लीज़। इमोशन हमारा हो चुका है, इमोशन इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो ये था हमारा इमोशन टॉपिक, छोटा टॉपिक है, तो ये हमारा ख़त्म होता है आज। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर सीटेट प्रिपरेशन, अच्छे से करिए सब, बहुत इजी है, इजीली क्रैक कर सकते हैं हम लोग अगर डेडिकेशन में है, और हमें टाइम का कंसेप्ट पता है कि किस टाइम में कैसे मैनेज, हमें टाइम मैनेजमेंट अच्छे से आना चाहिए। प्लीज़ गाइज, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय।